अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन पिछले एक महीने से लगातार जारी है। किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आगाज किया। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी रहा। वहीं किसानों ने ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया। ट्रेनों को रेलवे स्टेशन और क्रॉसिंग के पास ही रोका गया। किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र के साथ हुई बैठकों में भी हमारी मांगों के प्रति कुछ नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि वह किसानों की सारी बातें मान चुकी है, जो कि सरासर झूठ है। किसानों की केंद्र के साथ हुई सभी बैठकें बेनतीजा रही। वहीं 4 घंटे तक चलने वाले आंदोलन के दौरान किसानों ने आम जनता से घर से बाहर न निकलने की अपील की थी। वहीं पंजाब के फाजिल्का में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन के अंतर्गत अबोहर, फाजिल्का और जलालाबाद में रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। रेल परिचालन बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अबोहर स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन खोसा ने, जलालाबाद में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और फाजिल्का में बीकेयू डकोदा ने चक्का जाम किया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान पूरे पंजाब के 22 जिलों में 52 स्थानों पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चलाया गया। इसमें करीब 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई और लाखों रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखो, ये पहले पता सीगा भी जिड्डियां वड्डियां मंगा मां पिछले आंदोलन दे विच भी लक्षण आईयां, बेशक देश पद्धर दियां नहीं सी, उहदे विच भी कोर्ट लगे, सरकार पछां हटी भी चल असीं कोर्ट दे विच कोई गल नहीं कर सकदे। इहदे बावजूद अंदोलन जित्तिया गया। सो कोर्ट कोई साडे अंदोलन विच मायने नहीं रखदा है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट ठीक है, सरकार चाहे तो अज गल कर लवे, कुणख का सवाल नहीं है, अंदोलन बारे सोच लांगे, इहनूं वापस करना की करना, मंगा का सवाल है, मंगा मनाउणियां हैगियां। दूजा हैगा भी जे कोर्ट लग भी जांदा, जिहड़ी तुहाडी मंग WTO नाल टकराउंदी हैगी आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 75-76 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹਜੇ BJP ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ, ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ।